हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कविता सांखे एंड वेलकम टू माय चैनल कविता सांखे इजी मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। ओके, मतलब जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। बट सी, उसके पहले आपको फ्रैक्शन के टाइप मालूम होना जरूरी है। एंड इफ यू नॉट वॉच माय वीडियो, प्लीज वॉच, बिकॉज इन माय प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी आई अपलोडेड द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, क्योंकि जब भी आप ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हो फ्रैक्शन का, तो आपको उसके टाइप मालूम होना चाहिए। ओके, देन इजीली यू कैन ऑपरेट दैट फ्रैक्शन। ओके, सो बिफोर दैट, इन माई प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी आई अपलोडेड द टाइप ऑफ फ्रैक्शन लाइक प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। ओके, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स इन टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट वी विल सी द अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, पर्पसली आई नॉट गिव दिस टाइप इन दैट माई प्रीवियस वीडियो, बिकॉज दिस टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑन फ्रैक्शन। ओके, सो सी द टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट वन इज सी टाइप्स। ओके, विच टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर देयर? फर्स्ट सी, फर्स्ट नंबर इज लाइक फ्रैक्शन, एंड दिस लाइक फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, प्लीज जस्ट सी, लाइक फ्रैक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर, वी कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली एंड ओनली लाइक फ्रैक्शंस। ओके, जैसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सेवन स्टैंडर्ड एंड एट स्टैंडर्ड, दैट स्टूडेंट नोज दैट इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑल्सो वी कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक नंबर्स। ओके, सेम दैट लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ वी कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली एंड ओनली लाइक फ्रैक्शन। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक फ्रैक्शन मीन्स वॉट? द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम। ओके, डिनोमिनेटर्स आर सेम। जो भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट नो व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शन, व्हाट इज मीन बाय डिनोमिनेटर एंड ऑल, देन प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो अबाउट द फ्रैक्शन। ओके, ऑलरेडी आई गेव द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर ओके आर सेम। नाउ सी, वन एग्जाम्पल वी विल सी। नाउ सी, टू अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री। ओके, और वी कैन राइट सी, वन अपॉन फाइव, सिक्स अपॉन फाइव, सेवन अपॉन फाइव। नाउ सी स्टूडेंट, इन दीज एग्जाम्पल्स दिस वन अपॉन सी, दिस टू अपॉन फोर एंड सॉरी टू अपॉन थ्री एंड फोर अपॉन थ्री आर द लाइक फ्रैक्शन। वाई? बिकॉज द डिनोमिनेटर आर सेम। एंड सेम हियर, दीज आर द ग्रुप ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। वाई? बिकॉज देयर डिनोमिनेटर आर सेम। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन मीन्स वॉट? द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम, दे आर लाइक फ्रैक्शन। एंड अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कैसे, वर्ड में उसके आंसर है अनलाइक। अनलाइक मतलब जो सेम नहीं होते। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या? जिनके डिनोमिनेटर नॉट सेम। ओके, दे हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। ओके, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सो हाउ यू विल राइट दैट? First one, see, if I am writing any example, we will write, see, 2 by 3 and 4 by 6. Now, see, both having the different denominator, 3 and 6 are different. Or we can see the pair, 1 upon 6, 2 upon 7, 8 upon 9. Okay, these are the unlike fraction. Why? Because their denominators are different. Understand, students? So, when denominators are same, then they are like fractions. And when denominators are different, then they are unlike fraction. So, today we are going to learn the very important topic, that is addition of fraction. Addition. Okay, addition and subtraction together we will see. Because they are same only, rules are same for both. So, addition and subtraction. Okay, addition and subtraction of fraction. So see students, how to add and subtract the fraction. So see, one rule, okay, before adding and subtracting, the one rule is very important. Okay, I'm saying very important. Why? Because many times I'm telling to students, then also they are doing mistakes, same mistakes. Okay, always they are doing that. What? See, always remember, we can add, okay, and sorry, we can add and subtract only, this word is very important, only like fractions. Okay,
only like fractions we can add and subtract, not unlike fraction. We can't add and subtract the like unlike fraction. If they are unlike, then we have to convert into like fraction, then only we can add. Okay, there are so many methods to convert unlike to like, okay, by LCM method or by cross multiplication method, that we will see afterward. But see, first always remember, we can add and subtract only and only like fraction. So see the examples, means you will understand. See, if I'm writing, okay, now 4 upon 3 plus 5 upon 3. Now see, both are the like fractions. Okay, why? Because their denominators are same. So while addition, what you have to do? See, always remember, whenever you're adding this fraction, like fraction matlab kya hota hai? Unke denominator same hote. Okay, means they are having common denominator, same denominator. So while adding, we are keeping same that denominator. Okay, मतलब दोनों के denominator same है, तो हम क्या करेंगे, एक common denominator लेंगे, क्योंकि दोनों का same है तो एक ही denominator नीचे लेंगे. Okay, now we have to add only numerator. Okay, only numerator you have to add. Okay, add or subtract, whatever it is there, you have to add only numerators, not denominator. Denominator आपको वैसे ही रखना है. Okay, तो आपकी addition क्या होगी, 4 plus 5, 9 upon 3, तो आपका answer आएगा 9 by 3. Understand students, what I done? Only see, both having same denominator, so I wrote only one denominator here and I add only numerator. मैंने सिर्फ numerator मतलब ऊपर के number ही addition किया है उन दोनों का. Okay, नीचे का number, नीचे के जो number है denominator, उनकी addition नहीं करनी है in like fraction. Always remember, because what happened in exam, many students making here mistake that they are adding this denominator also, so they are losing their marks. So always remember, whenever like fractions are there, whenever we are adding and subtracting the fraction, that time we are to add only numerator, okay, not denominator. So denominator write as it is and add the numerator. Okay, same agar subtraction hai, then also same. Okay, if 3 by 5, second example, 3 by 5 minus 4 by 5, purposely I took this, okay, means you will understand. Now see, 3 by 5 minus 4 by 5. So how you will subtract this? Same rule. दोनों के भी denominator same है, तो एक ही denominator लिखो और just subtract numerator. Okay? So 3 minus 4. Now see here students. Okay? 3 minus 4. So what will be the answer? See, यहाँ पे आपको integers पता होना चाहिए. And if you don't know the integers, see, मैंने already I uploaded the integers lessons, okay, वहाँ पे भी operation on integer already I uploaded in my previous video, so please watch that video, means you will get idea about the integers also. Okay, so 3 minus 4, okay, so what will be the answer here? 3, 4 minus 3, 1, and big number sign, minus 1 upon 5, मतलब answer is minus 1 upon 5. See students, how I done this minus 1 upon 5? अगर आपको ये नहीं समझ में आया, then please watch my video of integers, okay, operation on integer. Okay, I will, already I gave that also link I gave in my description box. So please watch that video, means you will get idea how that minus 1 came, okay. So students, understand, in addition and subtraction, same rule we have to follow, that we have to keep denominator as it is and we have to add and subtract only and only numerators. Okay, don't add and subtract the denominators. Agar aap wo add karoge, then what happen? Your answer will be wrong. Okay, so see, again one example we will take. Okay, sir, for maybe 7th and standard, they are giving 3 numbers also, 3 fraction we have to add and subtract. So how you will add? See, if 5 upon 4 plus 3 upon 4 minus 6 upon 4. Okay, at a time, 3 numbers I am taking. Okay, so it is not looking, so I will write here 6 upon 4. Okay, minus 6 upon 4. So how you will write this? See student, same only, ye teeno ke bhi denominator same hai aapke. So aapko same denominator, 4 you have to write as it is. Aur sirf jo numerator hai, unki addition or subtraction karna hai. Jo bhi beech mein sign hai, wo okay, depend on that. Now see, 5, ye plus hai to plus 3, aur ye minus, ऊपर का नंबर जो आपका वो डिनोमिनेटर है 6. ओके, तो इनका ऑपरेशन करो. सी, बाय द बॉटमोस्ट रूल, फर्स्ट यू हैव टू ऐड एंड देन यू हैव टू सबट्रैक्ट. और इन एडिशन सबट्रैक्शन फ्रॉम बोथ वे यू कैन डू. ओके, एडिशन और सबट्रैक्शन एनी यू कैन डू. नाउ सी हियर, आई एम डूइंग एडिशन फर्स्ट. 5 प्लस 3 8 माइनस 6 अपॉन 4, सो 8 माइनस 6 2 upon 4, so my answer will be 2 upon 4. Understand students, what I done here? See, ye teeno ke bhi kya hai, fractions same hai, then what we have to do? Whenever fractions are same, that time same common fraction we have to write.
sorry denominator fraction common denominator we have to write. Now we have to add and subtract only and only numerators. So 5 as it is 5 plus plus 3, 3 here subtract and 6. So 5 plus 3 8 minus 6. So 8 minus 6 2, 2 upon 4. Understand students, addition and subtraction of fraction, they are very easy. It is very easy, but these whatever we learn now, that is addition and subtraction of like fraction actually. These are like fraction we can write. Because unke denominator same hai. Now we are going to learn how to add and subtract the unlike fractions. Okay, kyunki that little bit hard. Okay, than this, because in whenever like fractions are there, their denominators are same. Agar denominator same nahi hai, to kaise add karna hai? Because already I told you that what is the rule of addition and subtraction, that we can add and subtract only and only like fraction. Lekin agar like fraction नहीं है example, then how you will add? Okay, let's see students. First we have to convert into unlike fraction. Sorry, like fraction. So see, addition and subtraction. Okay, addition and subtraction. Addition and subtraction of unlike fraction. Unlike fraction. So how we will add and subtract the unlike fraction, that we will see now. So see students, how you will add and subtract the unlike fraction. Okay, unlike matlab jinke denominators same nahi hote. So 2 upon 3 plus 4 upon 5, this I will take first. Okay, now see students, for if small numbers are there, then you can, there are also two methods. Okay, one is cross multiplication and one is what, finding by LCM. Okay, to make denominator same by LCM method. So see students, agar aapko pata nahi hai LCM kaise find karna hai, then see already I uploaded one video. Okay, how to find the LCM and SCF, then please watch that video. Okay, it is helpful for you. So see students, here I will use the cross multiplication method. Okay, by both method I will tell you how to solve. Okay, so see, first cross multiplication. Now always remember, whenever you will do cross multiplication, तो जो डिनोमिनेटर होते हैं दोनों नंबर के, उनके दोनों नंबर के डिनोमिनेटर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मतलब एक जो फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, एंड सेम वाइस वर्सा कि फर्स्ट फ्रैक्शन का. सो सी व्हाई आई रोट दिस, मींस यू विल अंडरस्टैंड सी इजीली हाउ आई डन दिस. सो सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, व्हाइल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी फर्स्ट व्हाट आई डन, डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, सी लाइक दिस हॉरिजेंटल. सो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 वी विल डू. नाउ यहाँ पे क्रॉस करना है, क्रॉस मतलब ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट, वेन एवर यू विल डू क्रॉस, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड. ओके, सो दिस फर्स्ट क्रॉस वी विल डू मीन 2 इंटू 5, ऐसे क्रॉस करना है आपको दोनों को. ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब इस जो फ्रैक्शन 2 बाय 3, इसके न्यूमरेटर से 4 अपॉन 5 के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो. सो 2 मल्टीप्लाई 5, एडिशन साइन एज इट इज, और ऐसे फ्रैक्शन नाउ 4 इंटू 3 ऐसे मल्टीप्लाई करना है. ओके, मतलब क्या किया मैंने, सी सी व्हाट आई डन हियर, 3 बाय 5. ओके, 3 मल्टीप्लाई 5. ओके, न्यूमरेटर में क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब क्रॉस, एंड 4 मल्टीप्लाई 3 ऐसे क्रॉस करना है. ओके, सो आफ्टर एड व्हाट यू विल गेट, सी फर्स्ट ऑलवेज डू द मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट. अगर आपने यहाँ पे एडिशन फर्स्ट की 5 प्लस 4, तो योर आंसर विल बी रॉन्ग. सो ऑलवेज रिमेम्बर फर्स्ट यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन. सो 2 5s आर 10. ओके, राइट फ्रॉम हियर 2 5s आर 10. सो एडिशन सेम एज इट इज, 4 3s आर 12. जो जहां भी पूरा मल्टीप्लीकेशन दैट वी विल डू फर्स्ट, 3 5s आर 15. ओके, पहले ये किया, नाउ वी हैव टू एड. सो 10 प्लस 12, 22 अपॉन 15. सो योर आंसर विल बी 22 अपॉन 15. वॉट आई डन स्टूडेंट, सी यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट आई मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 4 मल्टीप्लाई 3. ओके, सो यू विल गेट द आंसर 22 अपॉन 15. सो सेम सब्ट्रैक्शन वन एग्जाम्पल वी विल टेक. सी इफ 1 अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 8, लाइक दिस वी विल टेक. Now see how you will subtract, same rule, same multiplication. See first क्या करना है आपको, denominator में division, denominator into denominator. So multiply 6 into 8,
यहाँ पे क्रॉस करना है फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड फर्स्ट. सो 1 × 8 फर्स्ट करना है आपको, 1 × 8 माइनस, सो माइनस, ओके सबट्रैक्शन साइन, तो सबट्रैक्शन साइन देना मत भूलो. फिर 3 × 6 3 × 6 ओके, व्हाट आई डन फर्स्ट दिस लेफ्ट साइड देन माइनस दिस साइड. ओके ऑलवेज रिमेम्बर डोंट डू दिस साइड फर्स्ट राइट साइड. ओके सो मे बी योर आंसर विल कम डिफरेंट, सो प्लीज लेफ्ट साइड पहले करना. सो 1 × 8 8 सब्ट्रैक्शन साइन, 3 × 6 = 18 और ये 6 × 8 = 14. सो आपका सब्ट्रैक्शन क्या होगा ना, 8 − 18 = 18 − 18 बिग नंबर साइन माइनस. यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इंटीजर है. ओके सो प्लीज वॉच माई वीडियो ऑफ इंटीजर्स ऑपरेशन ऑफ इंटीजर, बिकॉज दैट लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस. सो अपॉन 48, सो योर आंसर विल बी −10/41 अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स वॉट आई डन, वेन एवर अनलाइव फ्रैक्शंस आर देयर देन यू कैन यूज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो हाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 5 3 ओके एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन यू विल गेट द आंसर. बट नाउ स्टूडेंट्स इफ दे गेव दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट इज इजी वेन दे गिवन ओनली टू फ्रैक्शन, बट अगर यहाँ पे टू से मोर देन मोर देन टू फ्रैक्शन आर देयर देन हाउ यू विल मल्टीप्लाई, सेम ओनली यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, बट वॉट एवर दैट इज एक्चुअली लेंथी. सो यू कैन यूज द एलसीएम मेथड. ओके क्योंकि अगर थ्री नंबर्स दिए आपको, थ्री फ्रैक्शन दिए है, तो आप क्या करोगे, सी वन एग्जाम्पल वी विल टेक मीन्स यू विल अंडरस्टैंड. ओके 2/3 प्लस सेम वी आर अप्लाइंग इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. ओके सो टूगेदर मिक्स नंबर आई एम टेकिंग 1/4 माइनस वी विल टेक नाउ ओके 5/6 लाइक्स वी विल टेक. नाउ सी स्टूडेंट्स ओके यहाँ पे देखो तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, देन हाउ यू विल डू, सी हियर यू कैन यूज सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑल्सो, इन दोनों का पहले करो एडिशन और जो भी आंसर आता है उसके साथ इसका सब्ट्रैक्शन करो, बट दैट इज लिटिल बिट लेंथी एक्चुअली, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, बट अगर यहाँ पे नंबर बढ़े है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट और लेंथी. सो हाउ यू विल डिवाइड, फर्स्ट आपको क्या करना है जो भी डिनोमिनेटर है बाय एलसीएम मेथड हाउ यू विल फाइंड. ओके सो बाय एलसीएम मेथड हाउ यू विल फाइंड, फर्स्ट आपको क्या करना है जो भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम फाइंड करना है. ओके एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे नाउ, सी अगर आपने वीडियो नहीं देखा देन प्लीज सी हाउ टू फाइंड द एलसीएम. सी 3, 4 and 6 इनका एलसीएम हम निकालेंगे. ओके नाउ सी व्हाइल व्हेन वी आर फाइंडिंग द एलसीएम, देखो तीनों नंबर कौन से टेबल में है, किसी भी टेबल में ये मिस विच बाय विच नंबर दे कैन डिवाइड. ओके नाउ नॉट देयर इज नो नंबर दैट वी कैन डिवाइड दैट ऑल थ्री नंबर टूगेदर. सो सी दिस 3 and 6 आर इन 3 टेबल, ऑल दिस 4 and 6 आर 2 टेबल. ओके बाय एनी नंबर फर्स्ट वी विल डिवाइड. ओके आई विल टेक फर्स्ट 3, दिस 3 × 1 = 3 4 डिवाइड नहीं हो सकता 3 से, सो 4 एज इट इज एंड 3 × 2 = 6. ओके नाउ स्टूडेंट 4 and 2 वी गॉट. ओके आई डिवाइडेड दिस 3 and 6 by 3. ओके सो आई गॉट 1 and 2 हियर. ओके जब तक 1 नहीं आता है नीचे रिमाइंडर देन वी आर डिवाइडिंग. नाउ यहाँ पे 4 and 2 दे आर इन 2 टेबल, सो 2 × 4 = 2 × 1 = 2 और ये 1 एज इट इज. नाउ स्टिल 2 रिमेन. ओके जब तक 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करना है, सो 2 × 1 = 2 और ये 1 है एज इट इज. सो व्हाइल व्हेन यू आर फाइंडिंग द एलसीएम तो क्या करना है आपको, ये जो फैक्टर्स है इनका मल्टीप्लीकेशन करो. सो 3 × 2 × 2 व्हाट यू विल गेट, 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12. सो आपका एलसीएम आया 12, तो एलसीएम 12 आया देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक डिनोमिनेटर, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग दिस डिनोमिनेटर 12. आपको डिनोमिनेटर 12 बनाना है क्योंकि उनका एलसीएम 12 है. सो हाउ यू विल राइट सी है, और एक रूल है फ्रैक्शन का, जिस भी नंबर से आप अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या फिर आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो अभी मुझे डिनोमिनेटर 12 बनाना है सबका. सो हाउ यू विल मेक सी फर्स्ट, दिस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 12. 3 × 4 = 12, सो बाय 4 आई एम मल्टीप्लाइंग टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्लस टू दिस 4. 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 12, 3 से, सो 4 × 3 = 12, सो 3 प्लस सॉरी माइनस हियर माइनस सेम हियर 5/6. 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वी विल गेट 12, सो न्यूमरेटर को भी 2 से, सो व्हाट वी विल गेट नाउ सी 2 × 4 = 8/12 प्लस 3/12
minus 10 by 12. Now see students, we got all the like fraction. What I done? मैंने first LCM find किया denominator का और फिर वो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर बनाना है सबका 12. ओके, जो भी एलसीएम आता है वो ही डिनोमिनेटर हमें बनाना है. सो 3 से अगर 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 12. सो होल फ्रैक्शन आया है मल्टीप्लाई विद 4, दिस आर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद 3 एंड दिस बाय 2. सो वी गॉट नाउ लाइक फ्रैक्शन. और लाइक फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है वो तो आपको पता है. सो आई विल सॉल्व हियर. ओके, सो सी 12, both see all three having the same denominator, so same 12 we will write 12 as it is. और ऊपर के नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन, सो 8 प्लस 3 माइनस 10, वॉट वी विल गेट, 8 प्लस 3 वॉट, 11. ओके, 11 माइनस 10 अपॉन 12, सो यू विल गेट 1 अपॉन 12. सो आंसर इज 1 अपॉन 12. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके, अगर लाइक फ्रैक्शन है देन इजिली यू कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन. ओके, बाय एडिंग ओनली द न्यूमरेटर. बट अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर एलसीएम मेथड भी कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? ओके, अगर अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. और अगर आपको यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एससीएम, प्लीज माई वॉच माई वीडियो. ओके, एंड फॉर इंटीजर्स ऑल्सो प्लीज माई वॉच ऑल माई इंटीजर्स लेसन्स वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके स्टूडेंट्स, बाय.